ये नीम की पेड़ है और इस पेड़ पे बहुत खूबसूरती तरीके से बाबा साहब गुरु रविदास जी महाराज और तमाम तस्वीरों को ये इन्होंने लगा बढ़िया से। आप जौन बा की दुकान के खूब बढ़िया से सजौले बानी आ जे हर ऊपर से नीचे हम देखत बानी पूरा एकदम रविदास जी बाड़न। का बात बा माने इतना रविदास जी से लगा हुआ। 8 बजे भोर में आईला। अच्छा हम बात तो नया कि ये लोग के धोई धाई ला बहारी ला झारी ला। अच्छा हाँ ये लोग का पूजा करके तब फिर घर जाए ला। यहाँ पे वीरांगना फूलन देवी जी हैं और ज्योतिबा फूले जी हैं और रविदास जी की तो अनेकों फोटो यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। आज मैं बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड में मौजूद हूँ और रामगढ़ के मार्केट में खड़ा हूँ। आज मैं एक कुछ विशेष चीज़ दिखाना चाहूँगा। विशेष चीज़ यह है कि गुरु रविदास जी के अनुयायी आप बहुत सारे देखे होंगे, देश भर में कहीं ना कहीं तरह तरह के अनुयायी पाए जाते हैं, लेकिन इस रामगढ़ के बाज़ार में एक ऐसे अनुयायी को मैं दिखाना चाहूँगा जो 40 वर्ष से उनका फोटो लगा करके और अपनी जीविका चला रहे हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा इस पेड़ को। देखिए ये नीम की पेड़ है और इस पेड़ पे बहुत खूबसूरती तरीके से बाबा साहब गुरु रविदास जी महाराज और तमाम तस्वीरों को ये इन्होंने लगा रखा है। देखिए काफ़ी बेहतर तरीके से इस पेड़ की जितनी सारी डालियाँ हैं इन सभी चीज़ों को संरक्षण करते हुए इस पे ये फ़ोटो चिपकाए हुए हैं और जहाँ ये बैठते हैं, जहाँ ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसके ठीक नीचे बाबा साहब रविदास जी और तमाम महापुरुषों का फ़ोटो ये लगा रखे हैं आप सबको। और मैं दिखाना चाहूँगा ये इनका जो है कि दुकान का सामान है। यहाँ ये तमाम जूता सिलने का काम किया करते हैं और इसमें जूते के तमाम सामग्री को रखे हुए हैं, पॉलिश करते हैं और सिलने का भी काम करते हैं। यहाँ ये इनका बक्सा है, बक्सा पेटी है और ये देख सकते हैं ये पूरी तरीके से नीम के पेड़ पे गौतम बुद्ध जी हैं, यहाँ पे वीरांगना फूलन देवी जी हैं और ज्योतिबा फूले जी हैं और रविदास जी की तो अनेकों फोटो यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। आइए थोड़ा सा इनसे हम बातचीत करते हैं। बैठ जाइए बाबा इस जगह। क्या नाम पड़ी आपके? हमारा नाम शिवराम है। शिवराम है जी। कहाँ घर बा आपके? हमारे घर रामगढ़ बा। रामेगढ़ बा। बड़ा ही बढ़िया से आप जौन बा की दुकान के खूब बढ़िया से सजौले बानी आ जे हर ऊपर से नीचे हम देखत बानी पूरा एकदम रविदास जी बाड़न। का बात बा माने इतना रविदास जी से लगाओ आपके कैसे हो गई? हम 4 बजे भोर में आईला। अच्छा हम बात तो नया कि ये लोग के धोई धाई ला बहारी ला झारी ला। अच्छा हाँ ये लोग का पूजा करके तब फिर घर जाइला तब फिर आईला। अच्छा ये काम हमारे बा। अच्छा जी हम उन्हीं में लीन बानी। अच्छा प्रतिदिन सीहिला सहिला आ करके उनका सेवा करीला। अच्छा जी और ही बहुत सारा भगवान बाड़े लेकिन आप रविदास जी के इतना सारा फोटो लगौले बनी का बात बा? हम रविदास जी के हम महान जानत नहीं, उन्हीं को हम उन्हीं के लीन बानी, उन्हीं के हम मानत नहीं, दूसरा के नहीं मानत। अच्छा जी कि हम के उहे पर मरत में तो तनी। अच्छा प्रतिदिन यही के सेवा कर तनी। अच्छा जी कितना दिन से यहाँ दुकान आप कैले बनी? 40 बरिस से बनी। 40 बरिस से जी। 40 साल से पर फोटो आप लगौले बनी? हाँ जहिया से नीब लगल बा तहिया से हम बनौले बनी। अच्छा जी तो वो समय तो निबिया इतना बड़ ना हुई चूंकि 40 साल के बाद इतना बड़ बा और पकड़ी रहे। अच्छा पकड़ी रह गल तो जाके रहे लगे ना जी। इतना बढ़िया से आप बाबा फोटो सजौले बनी, बहुत सारा लोग ऐसा होला कि रविदास जी के लेके काफ़ी परेशान होला बाजार में या शहर में जहाँ कहीं भी सार्वजनिक जगह पे रविदास जी और अम्बेडकर जी के फोटो लगल देखेला तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान भी करेला। कबो आपके लोग परेशान कबो कैले बका? नहीं कोई परेशान नहीं थे कैले, जब बात तो नहीं रहला पर कोई फोड़ देला लेकिन फिर हम लगाई ला। अच्छा। ये काम लगल ना रहला पे लेकिन फोड़ देला जी। हाँ ये पे फोटोआ सटले बनी तो को लुखाड़ देते लोग कबो 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 फाट जाला तो फिर नया लगाई ला। अच्छा जी लेकिन कबो शिकायत आपके उसे नहीं कैले? नहीं नहीं ना जी। इतना सारा सामान ऐजा रखले बानी कुल सामान घरे ले जाइला ले आइला? नहीं सब ऐजे नहीं का नाम पर छोड़ दिला।
अच्छा जी, रविदास जी पे इतना आपके विश्वास बा, बड़ा आप माने दिल से माना तनी जी। है कोई ले जाला तो फिर किन ले ला ना जी। अच्छा हम नहीं पबा। कितना आपके लड़का फैका भी बाड़े बरूर? हाँ लड़का फैका बना कमात खतन। अच्छा जी, ये काम कह के जूता सी के आप लगभग बढ़िया से कितना पैसा कमा लेना? अरे 100 रुपया 150-200 बेका ले, बेसी थोड़े कमाते हैं। अच्छा जी हाँ, तो देख सकते हैं ये जो है कि बाबा हैं जो रविदास जी के बहुत बेहतर अनुयायी हैं और 40 वर्षों से यहाँ पे रविदास जी, अंबेडकर और तमाम महापुरुषों के फ़ोटो को लगा करके अपने स्किल्स के तहत, चूँकि जूता बनाना, जूता सीना एक प्रकार का स्किल्स है और इस स्किल पे ये काम कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर है, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन महापुरुषों के विचारधारा से बचते हैं, उन्हें अपनाने में डरते हैं, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक जगह पे बिल्कुल, ये मेन हाईवे रोड है और यह रोड मोहानिया हाईवे से जा कर के मिलता है और इधर बक्सर चला जाता है, इस रोड के बीचों बीच यह जो है कि इस तरह के फ़ोटो को लगाए हुए हैं, काफ़ी ये मतलब सीखने वाली चीज़ें होंगी और इन बाबा से काफ़ी चीज़ों को सीखना चाहिए और तमाम ऐसे लोग जो बचते हैं इनके बाबा साहब के और रविदास जी के विचारों को अपने अंदर समाहित करने में बचते हैं, उनके तस्वीरों को लगाने में बचते हैं, उनके लिए यह बड़ी सीख होगी और उन्हें लजाना, शर्माना और डरना नहीं चाहिए, अपने महापुरुषों के तस्वीरों को जरूर लगाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।